वैट की बढ़ रही दरों के विरोध में पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा एक दिवसीय हड़ताल के आह्वान के बावजूद अमृतसर जिले में पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोरोना सेंटर पर कल रात एक मरीज ने खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि ये मामले की जांच की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर मामला दर्ज कराया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशहरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल विमानों का पहला जत्था आज अंबाला पहुंचेगा। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1600 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने त्योहारों के चलते 1 और 9 अगस्त को लॉकडाउन का आदेश वापस लिया है। एम्स में एयर एम्बुलेंस ट्रायल खत्म कर दिया गया है। अब एयर एम्बुलेंस को लैंड करने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। सामाजिक दूरी की पालना न करने के कारण आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जलसा करने की मनाही के बावजूद पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।